मैंने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में, अली बाबा और 40 चोर। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो योगी बाबा और 40 चोर की सरकार चल रही है। आज जिस भ्रष्टाचार का खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, अब तक जितने भी भ्रष्टाचार सामने आए उसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यह है जिसको आज मैं आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति के मामले में राज्यों और यूटी को मिला लिया जाए तो 31वें नंबर पर है, 31। मात्र 11% लोगों को ही हम पाइपलाइन के जरिए जल की आपूर्ति कर पाते हैं। और इसलिए भारत की सरकार ने एक योजना की शुरुआत की, जल जीवन मिशन। और इस जल जीवन मिशन में घर घर लोगों को जल पहुंचाने की योजना बनाई गई, पाइपलाइन के जरिए घर घर में पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई, गांव गांव में घर पहुंचाने की, पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई। और ये योजना कोई मामूली योजना नहीं थी, ये योजना 1,20,000 करोड़ की योजना है, 1,20,000 करोड़ की योजना। और उस योजना में भ्रष्टाचार का ऐसा खेल शुरू हुआ कि देखकर नटवर लाल को भी शर्म आ जाए। ऐसा भ्रष्टाचार का खेल शुरू हुआ कि 2G भूल जाओ, कोयला घोटाला भूल जाओ, उत्तर प्रदेश का NRHM घोटाला भूल जाओ। इन सारे घोटालों को पीछे छोड़ते हुए आदित्यनाथ की सरकार ने जल जीवन मिशन में महाघोटाला करने का काम किया। और यह घोटाला हो किसकी देखरेख में रहा है? आदित्यनाथ जी की सरकार के सबसे करीबी मंत्री उनके डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो जल शक्ति मिशन और जल जीवन मिशन का कार्य देख रहे हैं, उनके निगरानी में यह भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव, चीफ इंजीनियर आलोक कुमार सिन्हा, ये तमाम लोग मिलके लगभग 30,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार की इन्होंने योजना तैयार की, 30,000 करोड़ का भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार क्या है, मैं एक एक करके बता रहा हूं। एक कंपनी है रश्मि मेटेलिक्स, जिस कंपनी को जल जीवन मिशन में, जहां पर हजारों करोड़ की पाइप सप्लाई होनी है, वो हजारों करोड़ की पाइप सप्लाई का काम दिया गया। रश्मि मेटेलिक्स ये जो कंपनी है, इसका नाम याद रखिएगा, ये रश्मि मेटेलिक कंपनी उड़ीसा में घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट हो जाती है। उड़ीसा की सरकार घटिया पाइप के कारण इस रश्मि मेटेलिक को रिजेक्ट करती है। इस रश्मि मेटेलिक कंपनी को मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार के कारण, घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है। रश्मि मेटेलिक कंपनी को वेस्ट बंगाल की सरकार घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है, ब्लैकलिस्टेड करती है। रश्मि मेटेलिक कंपनी को झारखंड की सरकार घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है। रश्मि मेटेलिक कंपनी को पंजाब की सरकार घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है। रश्मि मेटेलिक कंपनी को हिमाचल की सरकार घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है। रश्मि मेटेलिक कंपनी को छत्तीसगढ़ की सरकार घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है। रश्मि मेटेलिक कंपनी को उड़ीसा की सरकार घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है। रश्मि मेटेलिक कंपनी को जम्मू कश्मीर की सरकार घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है। और तो और, जिस सेना की बात ये लोग करते हैं, जिस आर्मी की बात ये लोग करते हैं, उस सेना ने, उस आर्मी ने रश्मि मेटेलिक कंपनी को घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट किया। इसके आगे आते हैं, जब ये कंपनी कई राज्यों में इसके घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट हो गई, तो मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं उनके भ्रष्ट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह से कि क्यों आपने इस कंपनी को हजारों करोड़ रुपए का काम दिया। और एक अखंड प्रताप सिंह जी है इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर,
इन्होंने जांच के आदेश दिए, झांसी के अपर जिलाधिकारी को जांच के आदेश दिए कि जांच करके बताओ इस कंपनी के बारे में, इसकी क्वालिटी के बारे में, इसके पाइप की क्वालिटी के बारे में। और इनकी ये चिट्ठी मई की है और 28 जून को ये रिपोर्ट आ गई अपर जिलाधिकारी झांसी की कि ये कंपनी का जो पाइप है ये घटिया पाइप है और इस पाइप को मानक के अनुरूप नहीं है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस कंपनी के बारे में यूनिट कोऑर्डिनेटर जो जल जीवन मिशन के जीपी शुक्ला जी हैं, इन्होंने लिखा कि कंपनी का पाइप मानक के अनुरूप नहीं है, इसको ठेका नहीं मिलना चाहिए। इस कंपनी के बारे में अधोमानक है ये परियोजना प्रबंधक महेश कुमार जी ने लिखा। इस कंपनी के बारे में सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये इसकी रिपोर्ट है, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसकी रिपोर्ट है कि रश्मि मेटालिक जो कंपनी है ये बोगस इन्वेस्टमेंट कराती है, फर्जी सेल कंपनीज बनाती है और एक नहीं इसकी कई फर्जी कंपनियां हैं, ये इसकी रिपोर्ट है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ जी की सरकार के चीफ इंजीनियर महोदय आलोक कुमार सिन्हा जी, ये प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव, इनके मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, ये हजारों करोड़ रुपए का ठेका देने के लिए, पाइप सप्लाई देने के लिए बाकायदा चिट्ठी डाक जारी करते हैं और इसमें लिखते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस प्लान इसका अप्रूव हो चुका है और इसी कंपनी से आप लोग पाइप की खरीद कीजिए। जो कंपनी इतने राज्यों में ब्लैक लिस्टेड हो चुकी, जो कंपनी इतने राज्यों में घटिया पाइप देने के लिए चिन्हित की जा चुकी, उसको भगाया गया, उस कंपनी को आदित्यनाथ जी का सबसे करीबी मंत्री हजारों करोड़ रुपए का ठेका क्यों दे रहा है, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। अब तो आप मैं जो कह रहा था उसको सुन रहे थे, अब मैं आपको बताता हूं इनके विधायक क्या कह रहे हैं। इनके एक विधायक हैं प्रयागराज के अजय कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हमारी पार्टी के विधायक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और ये कह रहे हैं कि डॉक्टर महेंद्र सिंह को, डॉक्टर महेंद्र सिंह कौन है, सरकार के मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री, डॉक्टर महेंद्र सिंह को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए जेई से, एई से, इंजीनियर से, विभाग से वसूला जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये अजय कुमार भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं, आलोक कुमार सिन्हा के बारे में कह रहे हैं, वही सिन्हा जिसने ये सारा ठेका दिया रश्मि मेटालिक को। एक अजय कुमार सिंह है, ये हरैया से विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक, इन्होंने भी, ये डॉक्टर अजय कुमार की चिट्ठी है और एक अजय कुमार सिंह की चिट्ठी है जिसमें सुरेश खन्ना जी संसदीय कार्य मंत्री ने लिखा कि आप इस पर कार्रवाई करके बताइए जो आरोप आलोक कुमार सिन्हा पर लगाए गए हैं। ये बाकायदा प्रश्न उठाया गया था विधानसभा के अंदर और इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब मांगा है। ये हरैया के विधायक ने चिट्ठी जो लिखी थी, जो प्रश्न लगाया था, उससे संबंधित कागजात है। उत्तर प्रदेश जल निगम जो उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग है, वो अगर किसी काम को कराता है 1580 रुपए में, तो वही काम जल जीवन मिशन के तहत हो रहा है 2065 रुपए में। जो काम जल निगम कराता है 1501 रुपए में, वो काम जल जीवन मिशन में कराया जा रहा है 2100 रुपए में। ऐसे तमाम आंकड़े इस टेबल में दिए गए हैं, इसको पढ़ूंगा तो घंटों लग जाएंगे। ऐसे तमाम आंकड़े इस टेबल में दिए गए हैं, 35% 40% 45% रेट की वृद्धि करके जो मानक उत्तर प्रदेश विभाग के जल निगम के द्वारा तय और निर्धारित मानक हैं, उससे 40-40% दाम बढ़ाकर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी आपने क्यों टेंडरिंग कराई, क्यों ठेका कराया, क्यों इसमें हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार कर रहे हो, लोगों के पानी का पैसा खा रहे हो, लोगों के घर में पहुंचने वाले पाइपलाइन का पैसा खा रहे हो, लोगों के घर में पहुंचने वाले जल की आपूर्ति का पैसा खा रहे हो, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण
कुछ नहीं हो सकता है। और ये जल जीवन मिशन की वेबसाइट पे दिया गया है कि मात्र 11% लोगों को ही हम पाइपलाइन के जरिए सप्लाई करते हैं। ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। हम लोग 31वें नंबर पर हैं अगर यूटी और राज्यों को मिला लिया जाए तो। भ्रष्टाचार का खुला खेल है। 30-35% ओवर टेंडरिंग करके 1,20,000 करोड़ की योजना में लगभग 30-35 हजार करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। मैं आदित्यनाथ जी की सरकार से कहना चाहता हूं, आपने हर अपराध पे पर्दा डाला। हमने ऑक्सीमीटर का भ्रष्टाचार खोला, थर्मोमीटर का भ्रष्टाचार खोला, गैस सिलेंडर का, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का भ्रष्टाचार खोला, और उन सारे भ्रष्टाचारों पर आपने पर्दा डाल दिया। आपने SIT बनाई और कहा कि 10 दिन में रिपोर्ट देंगे। आज तक ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर के घोटाले की जांच की रिपोर्ट नहीं आ पाई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये 30,000 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है। मंदिर के चंदा चोरी के भ्रष्टाचार को हमने खोला, उसमें कोई जांच आपने नहीं कराई। वेंटिलेटर में भ्रष्टाचार का मामला हमने खोला, उसमें कोई जांच नहीं कराई। ये जल जीवन मिशन में 30-35 हजार करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला है, इसकी CBI जांच कराइए। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।